We learned about sentence and its main part in our previous classes, and today we learn tense of. ठीक है, previous classes में हमें जान चुके हैं कि sentence किसे कहा जाता है, और sentence के जो main part होते हैं subject और predicate वो क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से identify किया जाता है। आज का अपना जो टॉपिक है क्लास में वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें मुख्य रूप से सेंटेंस के फोर पार्ट्स है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड पार्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड इसका टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ आपका इसका टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, हम इस चैप्टर में जो आपका सेकंड चैप्टर है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसमें अपन सेंटेंस के जब फोर टाइप पढ़ेंगे, फर्स्ट असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसमें आज की जो क्लास है अपनी, उसमें अपन ये जो सेंटेंस के टू टाइप्स है इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप है अपना असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में ऐसे स्टेटमेंट्स को शामिल किया जाता है जो नॉर्मल वे में अपन किसी से कहते हैं। नॉर्मली जो भी बात हम किसी भी पर्सन को कहेंगे वो असर्टिव सेंटेंस के अंदर इंक्लूड कर ली जाती है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हम टीवी देख रहे हैं, वे सो रहे हैं, पिताजी दफ्तर में काम कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मली जितने भी सेंटेंसेस हैं, उन सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में शामिल किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस है उसमें टू टाइप्स आते हैं, फर्स्ट आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकेंड टाइप आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इन दोनों ही प्रकार के सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में शामिल किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें किस प्रकार की सेंटेंसेस को रखा जाएगा, तो आप कहोगे जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस में इंक्लूड कर लिया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठेगा कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कौन से होंगे, किन स्टेटमेंट्स को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट कहेंगे, तो यह क्लियर कर लेते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें किसी काम का होना बताया गया है, मतलब उनमें काम हो रहा है या काम होता है, तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे और वो अफर्मेटिव सेंटेंस में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल हिंदी में होता है कि वह फुटबॉल खेलता है, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि उस व्यक्ति के द्वारा फुटबॉल खेलने का काम किया जा रहा है, वो फुटबॉल खेलता है, उसमें काम के नहीं होने के बारे में नहीं बताया गया बल्कि उसमें काम के होने के बारे में बताया गया। तो इस प्रकार से वो स्टेटमेंट जिनमें काम हो रहा है या काम का होना बताया गया है वो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस में शामिल किया जाता है। जैसे एग्जांपल में लिखे राम गोज टू टेंपल, कि राम है वो मंदिर जाता है, जाने का काम करता है। ऐसे ही
सोहन प्लेज क्रिकेट, कि जो सोहन है वो क्रिकेट खेलता है, मतलब खेलने का काम उसके द्वारा किया जाता है। ऐसे ही इटिंग मैंगो, ही इज इटिंग मैंगो, वह आम खा रहा है, मतलब उसके द्वारा आम खाने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही आई एम गोइंग टू अजमेर, कि मैं अजमेर जा रहा हूं, यानी कि मेरे द्वारा अजमेर जाने का काम किया जा रहा है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम हो रहा है वो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे और उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हुआ? उसका अपोजिट, पॉजिटिव का अपोजिट। उसमें अपन क्या कहेंगे कि ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें किसी काम का नहीं होना बताया गया है, मतलब उसमें काम नहीं हो रहा है या नहीं होता है ऐसा बताया गया है, तो वो क्या होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, और वो नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू अजमेर, कि मैं अजमेर नहीं जा रहा हूं, उसका मतलब उसके द्वारा अजमेर जाने का काम नहीं किया जा रहा है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया और ये नेगेटिव सेंटेंस में शामिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही एक और लिख लेना चाहें तो आप लिख सकते हो, ही इज नॉट ईटिंग मैंगो, कि वह आम नहीं खा रहा है, इसमें भी काम के नहीं होने का बताया गया है। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस और ले लेते हैं एक और, सुरेश डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें क्या पाया कि इसमें सुरेश क्रिकेट नहीं खेलता है, सुरेश डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने का काम सुरेश के द्वारा नहीं किया जाता, इसमें भी काम नहीं हो रहा। इस प्रकार से ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें काम का नहीं होना बताया गया है वो नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें काम का होना बताया गया है नॉर्मली वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वो अफर्मेटिव में आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। और ये दोनों ही कैटेगरी अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस में शामिल किए जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों इस असर्टिव सेंटेंस के ही दो छोटे पार्ट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके सेकंड टाइप कौन सा आता है? ये देखो यहाँ देखो, सेकंड टाइप कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें नॉर्मल सेंटेंसेस इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, उनकी जो थोड़ी विशेषता है वो असर्टिव से थोड़ी डिफरेंट है। जैसे समझना चाहें अपन देखते हैं, इंपेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में हम उन सभी प्रकार के स्टेटमेंट्स को शामिल करते हैं जिनमें हमें बोध होता है, ज्ञान होता है कि इस स्टेटमेंट में क्या किया जा रहा है, किसी से काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, या किसी को काम करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है, या किसी को कमांड दिया जा रहा है, ठीक है, या अपन किसी को एडवाइस देते हैं। इस प्रकार से यदि ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, या किसी को कोई काम करने की एडवाइस दी जा रही है, तो इस प्रकार के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल किए जाते हैं। अब लिखने पर तो अपने को समझ में नहीं आएगा इतना जल्दी, लेकिन अभी इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम रिक्वेस्ट का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, प्लीज गिव मी योर,
प्लीज गिव मी योर पेन। तो यहां पर पेन मांगा गया है, लेकिन पेन मांगते समय उसने एक वर्ड यूज किया प्लीज, जो कि ये शो करता है कि वो उससे पेन मांगते समय उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपा करके मुझे आप अपना पेन दे दो। तो ये प्लीज जो वर्ड है वो किसको शो करता है, रिक्वेस्ट को शो करता है। जैसे सेकंड अपन लेके चलते हैं, ओपन द डोर या क्लोज द डोर या विंडो। तो ये ओपन द डोर या क्लोज द डोर या क्लोज द विंडो या ओपन द विंडो, ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं इनमें ऑर्डर दिया जा रहा है। कमांड जो होता है, जैसे मान लो आर्मी वगैरह में, ठीक है, जो आर्मी वगैरह होती है उनमें क्या होता है, जो सोल्जर्स होते हैं उनको उनके हेड के द्वारा कमांड दिया जाता है। जैसे मान लो उसको कोई रोबर्स दिखे या टेररिस्ट दिखे तो वो तुरंत क्या कहता है, शूट शूट, उन्हें गोली मार दो। तो वो उसका क्या होता है, कमांड होता है, आदेश होता है, जिसको क्या होता है, मानना होता है। कमांड मानना नेसेसरी है, नहीं मानने पर पनिशमेंट दिया जाता है। ऐसे ही अपन एडवाइस की बात करें, एडवाइस में देखो ये डॉक्टर वगैरह हैं या अपने जो एल्डर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो अपने को कुछ काम करने के लिए एडवाइस देते हैं। जैसे यू शुड प्ले गेम्स इन द इवनिंग। आपको आपके फ्रेंड्स ने कहा कि यू शुड प्ले गेम्स इन द इवनिंग, जो गेम्स है वो तुम्हें कब खेलने चाहिए, इवनिंग टाइम में खेलने चाहिए, दोपहर में खेलने से अपन बीमार हो सकते हैं। तो ये अपने को पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। जैसे अपन डॉक्टर के पास गए बीमार थे, डॉक्टर ने हमें क्या कहा, यू शुड टेक बेड कि तुम्हें बेड रेस्ट करना चाहिए, बिस्तर पर थोड़ा आराम करना चाहिए। तो ये डॉक्टर ने अपने क्या दी, एडवाइस दिए, सलाह दी, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या है, अच्छा है। यदि हम उनकी सलाह नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर आके आपको चेक करेगा कि आप बेड रेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन उसका लॉस हमें होगा, हमारी बॉडी को होगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है या किसी काम को करने के लिए एडवाइस दी जाती है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में ही सेम कंडीशन एक आती है कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस उसमें भी लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। फुल स्टॉप जानते हो ना, सेंटेंस के लास्ट में इस प्रकार से एक डॉट लगा होता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, और इसके लास्ट में एक डॉट लगा होता है, इस डॉट को क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब यहाँ आपका सेंटेंस क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इस जगह आपका सेंटेंस क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जहां सेंटेंस या स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। कौन से में, असर्टिव सेंटेंस में और इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों में कॉमन बात होती है कि असर्टिव सेंटेंस में भी लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। तो फिर बाद में हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो ये बहुत ही इजी है इंपेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का, कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इट बिगिंस विद, कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे, देखो यदि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज से, डू से, डोंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट है ना, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। तो प्लीज डू डोंट या फर्स्ट फॉर्म ऑफ,
ठीक है, यदि प्लीज से स्टार्ट होते हैं तो इंपेरेटिव है, यदि डू से स्टार्ट होते हैं तो भी इंपेरेटिव है, यदि डोंट से स्टार्ट होते हैं तो भी इंपेरेटिव है, और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं तो भी इंपेरेटिव सेंटेंस में इनको शामिल किया जाता है। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे इस तरह जो टाइप होगा कल, उसमें क्या पाओगे कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके स्टार्टिंग क्या आते हैं, तो बोले यहां भी डू आ रहा है और इंटरोगेटिव में डू आ रहा है, तो फिर क्लियर कैसे होगी। तो ध्यान रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि है तो वहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, यदि वाक्य डू से स्टार्ट हुआ है तो उसके लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, तो इंटरोगेटिव है। यदि डू से स्टार्ट हुआ है उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, वो अपना क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने सेंटेंस के केवल टू ही टाइप्स पढ़े हैं, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, इसमें नॉर्मली जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है, इसमें टू टाइप्स के स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, यदि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, वो दोनों ही टाइप किसके हैं, असर्टिव सेंटेंस के टाइप होते हैं। और सेकंड टाइप है अपना आज का इंपेरेटिव सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंस जो प्लीज से, डू से, डोंट से या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वो जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड या किसी काम को करने की या नहीं करने की एडवाइस दी जाती है, ऐसे सेंटेंसेस हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल किए जाते हैं। ओके, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के टू टाइप्स हैं जो सेंटेंस के, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, वो अपन कल की क्लास में स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है टू टाइप्स से वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू, सी यू।